हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी विद केवी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2020। उम्मीद करती हूँ कि इस साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, अपनों का साथ, अपनों का प्यार और ये सारा सक्सेस लेकर आए। आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कोई स्किन केयर या फिर कोई हेयर केयर शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ब्लॉग, जो कि गाइस हमारे गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग दादाजी हैं जिनका नाम है राधा कृष्ण शास्त्री जी। रिलेटिव हैं मेरे, दादाजी लगते हैं रिश्ते में, तो आज उनका 125वां जन्मदिन मना रहे हैं हम। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ में शेयर करूँ एंड उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे हम कि उन्होंने अपने 100 साल में क्या एक्सपीरियंस लिया है एंड थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ही दादाजी को सम्मानित किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सम्मानित किया गया था एंड आप देख सकते हैं कि इनकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। अभी हम आ चुके हैं दादाजी के घर पे, जहाँ पर इनकी फैमिली ने एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इनके 100वें वर्षगांठ पर। देख सकते हैं आप, यहाँ स्टेज पर इनकी पूरी फैमिली है। बहुत सारे लोग आए हुए थे इनसे मिलने के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए, इनके 100वें वर्षगांठ पे इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं दादाजी से कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तो दादाजी, आज नया साल है, नया वर्ष, तो आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हम आप सबको शुभकामना देते हैं कि भाई, युवा पीढ़ी का भी राज है। हम लोग बूढ़े हो गए, अब युवा पीढ़ी सब काम को करना है, पढ़ना है, लिखना है और सब बच्चों को आगे बढ़ाना है, सत्यता और ईमानदारी से काम करना है, बच्चों को शिक्षा अच्छा शिक्षा देना है और सब काम करके देश के ऊपर। अभी किसका भार है? युवा पीढ़ी का भार है। बच्चे हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, सबका काम है। पर अब बच्चों को आगे बढ़ने का शिक्षा देना, लड़की हो, लड़का हो, सबको पढ़ना जरूरी है। और क्या चाहते हैं आप लोग देश में? तो सब देखे हैं हम लोग तो देश के लाल बर्मा देश में रहते थे, वहाँ से आए इंडिया में। पहले लड़ाई सिंगापुर मलाया से लेकर बर्मा से पांडे मिंजान पोपायर का लड़ाई लड़े हैं और मणिपुर इम्फाल का लड़ाई लड़े हैं। इसके बाद से फिर हम लोग गिरफ्तार हुए, हिरोशिमा नागासाकी पर बम मार दिया जापान, जापान के ऊपर में अमेरिका ने बम मारने से जापान हाथ खड़ा कर दिया और उसका काम हम लोग को रुक गया। हम लोग जेल में उस टाइम हम लोग को हार हो गया तो हम लोग को जेल में भी रहना पड़ा और फिर उससे अपने देश में हम लोग लौट करके भोला भाई देसाई और पंडित नेहरू, इसके हम लोग के तरफ से लड़ाई लड़े तो हम लोग को जीत हो गया। जीत होने से हम लोग को गिरफ्तारी से छुट्टी मिल गया, कितने को गोली का सजा था वो भी बच गया और हम लोग आज तो जब ज़्यादा उम्र हो गया है, कुछ कर नहीं पाते हैं, बैठे हुए हैं। 100 वर्ष के होने के नाते सब लोग हमको फंक्शन किए और पूछे तो हम भाई आ गए हैं आप लोग से, आप लोग जो पूछेंगे वही हम बताएंगे। जैसे कि पहले गुलाम थे, गुलामी के कारण हम लोग दूसरे देश में जाकर रहते थे, यहाँ के लोग हम लोग को दबाव डालते थे, इंडिया के लोग। तो हम लोग को पढ़े लिखे भी उस टाइम आदमी कम था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं था तो हम लोग बाहर बाहर में जाकर भटकते थे, लेकिन गुलाम बने हुए रहते थे। लेकिन हम लोग को आज़ादी के लिए जब रास बिहारी बोस ने फौज खड़ा किया तो उसमें हम लोग को निमंत्रण दिया, पूरा बर्मा के
सिंगापुर मलाया और कई देशों के लोगों को बुलाए। हम लोग गए वहाँ, मीटिंग हुआ, मीटिंग में आज़ादी के विषय में हम लोगों को समझाया गया कि भाई देश आज़ाद रहने से अच्छा है, हम लोग गुलाम बन कर रहना ठीक नहीं है। इसलिए उस टाइम से हम लोग आज़ादी के विषय में खड़े हुए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। दादाजी एक सवाल और पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप आपके ज़माने में, मतलब जब आप युवा थे तब देश की क्या स्थिति थी और आज देश की क्या स्थिति है, इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देश अभी युवा था, हम युवा तो 23 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़े और 24 में हम लोग फिर 2 वर्ष के बाद हम लोग गिरफ्तार भी बन गए। इसके बाद छूटने से अपना विदेश में बर्मा में रहते रहे, लेकिन जब फिर से ये हम लोग को आज़ादी के विषय में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता था तहाँ तहाँ बुला के ले जाते थे और जो काम करना था कराते थे। हम लोग सबको अच्छा विचार दे करके सबको अच्छा रास्ता पर चलने का कोशिश करते थे। हम चाहते हैं कि अच्छे ईमानदार लोग खड़ा हो और अच्छे लोग अपना काम करें कि जिससे कि देश का भला हो। आप लोग बुद्धि अच्छा जिनके हैं, जो बड़े हैं उनका साथ हम देने के तैयार हैं, जो पढ़े लिखे विद्वानों के साथ हम लोग देने के तैयार हैं। जैसे कहेंगे आप लोग वैसे हम लोग चलेंगे। आप लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग अच्छा रास्ता चलिए, उस पीछे हम साथ देंगे। हम लोग समझ में आता है, आप लोग अच्छे रास्ता में चलेंगे, आपका पीछे हम लोग सहयोग देंगे, आपको आपको जिताएंगे। आप अच्छे रास्ता चलने का कोशिश करिए ताकि देश अच्छा से चले और सब सुखी रहे। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता धरिए। आज युवा पीढ़ी पर देश का भार है। युवा पीढ़ी जो अच्छा विचार करके जो चलेगा तो उससे हमारे देश का कल्याण होगा। आपने हमें बहुत सारा अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि यहाँ पर दादाजी ने जो भी सारी बातें बताई वो तो आप लोगों ने सुना ही, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए वो और ज़्यादा बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, और इसलिए मैंने उनसे सिर्फ थोड़ी सी ही बातें बोलने को कही। एंड यहाँ पर जो है प्रोग्राम थोड़ा बहुत चल रहा था, लोग आ रहे थे, उनसे आशीर्वाद दे रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनको जो भी भेंट देना था भेंट दे रहे थे। एंड तो मतलब ये जो भी सारी चीज़ें हैं, दादाजी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रह चुके हैं एंड आज वो 100 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से उनका जन्मदिन मनाया हम लोगों ने। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फ्रेंड्स, आप लोग ये जो लाइक और कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यू ईयर के दिन मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियोज़, कभी ब्लॉग, कभी ब्यूटी रिलेटेड एंड कभी हेल्थ रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।